वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अमेज़न कुर्ती हॉल शेयर करने वाली हूँ। आप सबकी रिक्वेस्ट पर, आप सभी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अमेज़न कुर्ती हॉल जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो आई एम विद दिस वीडियो एंड सारी ही कुर्तीज जो मैंने परचेज की हैं ये अबाउट 700 से लेकर 1000 की रेंज में ही मिलेंगी आपको। और सारी कुर्तीज का जो फैब्रिक है वो रेयॉन का फैब्रिक है, विच इज वेरी स्मूथ और बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है आने वाले सीजन के लिए। लाइक गर्मियां आने वाली हैं तो आपके लिए मस्ट बाय होना चाहिए। सो मैंने सोचा कि आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूं। सो यहाँ पर सारी ही कुर्तीज मुझे इस तरीके के एक पैकेट में रिसीव हुई थी और यहाँ पर मेरे पास 5 कुर्ती के पीसेज हैं जो कि हैं इस तरीके से। तो काफी ज्यादा आवाज आ रही है ना, सबको मैं पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को वन बाय वन करके दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स हैं, बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगने वाली हैं और इसकी रेंज भी बहुत ही ज्यादा मतलब बजट फ्रेंडली है, तो आप जरूर परचेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट कुर्ती है वो जयपुरी प्रिंट के साथ है और ऊपर वाली साइड में कढ़ाई हो रखी है। और यहाँ पर जो मैंने साइजेस मंगाए हैं वो मैंने एस यानी कि स्मॉल साइज मंगाया है और इसका ब्रांड नेम है वी बाइस। सो सारी ही कुर्तीज मैंने वी बाइस की मंगाई है। सो इस तरीके की है ये पूरी कुर्ती, ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। ऊपर आप देख रहे हैं इस तरीके का पूरा कढ़ाई का काम है, ब्लैक और रेड कलर का पूरा है इस तरीके का और इसमें काफी सारे कलर्स हैं। नीचे की साइड पर इस तरीके का प्रिंट है, पूरा फॉइल प्रिंट है ये इस तरीके का। और बैक साइड पे ये आपको पूरी प्लेन मिलेगी और ये फ्रॉक स्टाइल में है, सो काफी ज्यादा लॉन्ग है ये। और नीचे की साइड पर रेड कलर की पट्टी लगी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खास लगता है। और यहाँ पर साइड में एक डोरी दी गई है जो कि इसको काफी सुंदर सा इफेक्ट दे रही है। ये आपकी कमर पर आएगी तो आप इसे नॉट की तरीके से भी बांध सकते हैं। और जो ऊपर वाला डिजाइन है वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, ये देखिए इस तरीके का। सो नीचे की साइड पर ये पूरा फ्रॉक स्टाइल में है और यहाँ पर आपको ये देखिए बीच में इस तरीके का कट मिलेगा, तो ये काफी स्टाइलिश कुर्ती है इस तरीके की। सो ये सारी ड्रेसेस मैं आपको एक बार वेयर करके भी दिखाऊंगी कि ये पहनने पर कैसी लगती हैं। और इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स आपको मिलेगी और स्लीव्स पर भी इस तरीके का प्रिंट है। और यहाँ पर रेड कलर की ये पाइपिंग लगी हुई है, बहुत ही सुंदर ब्लैक एंड रेड का ये कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर मैं साइज के लिए आपको छोटी सी टिप देती हूँ कि अगर आप मीडियम साइज हमेशा परचेज करते हैं तो आप अपना स्मॉल साइज लें। वी बाइस ब्रांड में हमेशा आप अपना एक साइज स्मॉलर पिक करें, तो अगर आप एक्सेल लेते हैं तो आप लार्ज पिक करें। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से 3XL तक आपको साइजेस मिल रहे हैं, तो आप चाहे जितने भी हेल्दी हैं तो भी आप ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा थिन हैं यानी कि पतले हैं तो भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमेशा आप अपने साइज से एक साइज छोटा परचेज कीजिएगा जब भी आप वी बाइस से परचेज करें। सो इस तरीके की है ये हमारी फ्रंट स्लिट वाली पहली कुर्ती, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। एंड जो नेक्स्ट है वो नियॉन पिंक कलर की है, इसका कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सो इस तरीके की है ये कुर्ती, ऊपर की साइड पर इस तरीके का एक बर्ड का डिजाइन है और कढ़ाई हो रखी है यहाँ पर, कढ़ाई भी काफी ज्यादा अच्छी, गिरो मत। सो कढ़ाई आप देखिए इसकी फिनिशिंग कढ़ाई की काफी सुंदर है, कढ़ाई भी काफी फिनिशिंग से हो रखी है कढ़ाई। और ये भी आपको फ्रॉक स्टाइल में मिलेगा। सो यहाँ पर जो नीचे का घेर है वो काफी ज्यादा घेर आपको मिल रहा है यहाँ पर, एंड घेर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नटें डली हुई हैं जिससे कि घेर बिल्कुल अच्छे से आ गया है। और ऊपर की साइड पर जो ऊपर का इसका पैटर्न है ब्लाउज वाला यानी कि चोली वाला जो पैटर्न है, वहां पर आप इस तरीके का देख सकते हैं बटन के साथ डिजाइनिंग की गई है, जैकेट स्टाइल में है थोड़ा सा ये डिजाइन, तो काफी सुंदर सा है। एंड इसके स्लीव्स इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं। सो इसके स्लीव्स हैं इस तरीके की बेल स्लीव्स और यहाँ पर हल्की सी डिटेलिंग दी गई है धागे और मोती के साथ, तो यहाँ पर ये हैंड के साथ हैंड स्टिच किया हुआ है। और बेल स्लीव्स है तो आजकल बेल स्लीव्स तो आप लोग पता ही है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ब्लाउजेस में बेल स्लीव्स, कोई सूट आप लेते हैं तो उसमें बेल स्लीव्स, शरारे गरारे वाले सूट्स में भी बेल स्लीव्स, तो और टॉप में भी आपको बेल स्लीव्स देखने के लिए मिलेंगी। तो काफी ज्यादा लॉन्ग है ये और इसमें भी मैंने स्मॉल साइज पिक किया था। सो जो नेक्स्ट कुर्ती है वो भी
लाइक उसका पैटर्न इतना ज्यादा सुंदर है ना कि आपको देखकर ही अट्रैक्शन होगा, और अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो ये वाली कुर्ती आपके लिए मस्ट बाय रहेगी। सो इस तरीके की काफी सिंपल सोबर इस तरीके की नेवी ब्लू और क्रीम कलर का पैटर्न है। सो एक साइड में पूरा नेवी ब्लू है और एक साइड में ये क्रीम कलर का है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर कलमकारी जैसा प्रिंट है, तो बहुत ही सुंदर सा इफेक्ट दे रहा है ये। और यहाँ पर नेक के पास बटन्स वगैरह का लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, तीन तीन के पेयर में यहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं। और इस साइड पर ये भी कढ़ाई का वर्क है, ये देखें आप, कढ़ाई का वर्क है, और नीचे की साइड पर टेसल्स लगे हुए हैं, तो काफी ज्यादा लॉन्ग है ये। और ये भी फ्रॉक स्टाइल में है, ए लाइन हम कह सकते हैं इसे। सो इस तरीके की है ये, एंड इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसका फैब्रिक है रेयॉन, और पूरे पर इस तरीके का एक साइड पर प्रिंट है, एंड बैक साइड में आपको दिखा दूं, बैक साइड पर इस तरीके का पूरा प्रिंट है, और बैक साइड पर कोई भी डबल कलर का यूज नहीं है, बैक साइड पर केवल ये क्रीम के साथ पूरा प्रिंट है नेवी ब्लू कलर का। सो नीचे तक ये कुछ इस तरीके का है, और घेर भी काफी ज्यादा आ रहा है इसका, और अगर आप मेरी हाइट के हैं तो आपको इसे थोड़ा सा छोटा कराना पड़ेगा। एंड जो स्लीव्स हैं वो भी सेम बैक पर जैसा डिजाइन है वैसा पूरा इस प्रिंट के साथ है, और यहाँ पर नेवी ब्लू का इस तरीके से कफ जैसा कुछ डिजाइन दिया गया है। सो इस तरीके का है, एंड ये जो नेक है ये बोट नेक स्टाइल में है, सो काफी सुंदर सी ये कुर्ती भी, बहुत ही सुंदर सी है, और अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो ये आपको जरूर परचेज करनी चाहिए। काफी सुंदर सा इसका पैटर्न है, लाइक दो कलर्स का पैटर्न दिया गया है, विच लुक सो स्टर्निंग। और जो नेक्स्ट कुर्ती है वो इस तरीके के ब्राउन कलर की है, बहुत ही सुंदर कलर है इसका, ये देख सकते हैं आप कितना ज्यादा खूबसूरत, लाइक इतना ज्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है, इतना ज्यादा कम भी नहीं है, और नेक पर आप देख सकते हैं इस तरीके की कढ़ाई है, और यहाँ पर टी शेप का इस तरीके से आपको नेक मिल रहा है, और ये आप इतना देख सकते हैं खुला भी है ये। सो एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, ये इतना ऊपर की साइड से खुला हुआ है और नीचे की साइड पर टी शेप है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है एक कुर्ते को, बहुत ही अच्छा लुक देता है। और नेक के पास इस तरीके की कढ़ाई हो रखी है, ये देख सकते हैं पूरे नेक पर कढ़ाई है, और बीच सेंटर पर इतना बड़ा सा फ्लावर है, तो कढ़ाई जो है वो काफी ज्यादा फिनिशिंग से हो रखी है। और इसका जो फैब्रिक है वो अगेन रेयॉन है, तो पहनने में इतना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, रेयॉन का फैब्रिक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। एंड नीचे की साइड पर इस तरीके की छोटी छोटी बूटियां हैं, और ये भी काफी लॉन्ग कुर्ती है, तो इसको भी आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत छोटा कटवाना पड़ेगा, कटवा के थोड़ा बहुत छोटा करवाना पड़ेगा। और बैक साइड पर ये बिल्कुल आपको प्लेन मिल रही है, ये देख सकते हैं आप, और इसका मैंने स्मॉल साइज पिक किया है, बट फिर भी मुझे इसे थोड़ा बहुत फिटिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी ढीला आ रहा है मेरे। और इसके स्लीव्स आप देखेंगे ना तो कहेंगे वाओ। सो इसके स्लीव्स जो है वो इस तरीके की बेल स्लीव्स हैं अगेन, बट हाई लो बेल स्लीव्स हैं, ये देखें इस तरीके से हाई लो बेल स्लीव्स हैं, और स्लीव्स के जो बॉटम है वहां पर भी कढ़ाई हो रखी है। सो इस तरीके की कढ़ाई है ग्रीन और ऑरेंज धागे के साथ, पूरे में इस तरीके की पूरी गुलाई में कढ़ाई है, ये देखें कितनी खूबसूरत कढ़ाई हो रखी है पूरे में, और हाई लो इस तरीके से पूरा पैटर्न है बाजू का। सो काफी ज्यादा स्टाइलिश प्लस ट्रेंडी लुक आपको बनाएगा ये। सो इस तरीके का है ये हमारा फोर्थ कुर्ती। सो बहुत ही सुंदर सा कलर, एंड ये कलर मैंने अभी तक पहना नहीं है, बट लेट मी ट्राई, लेट मी एक्सप्लोर न्यू कलर्स। सो जो नेक्स्ट कुर्ती है वो अगेन वी बाइस की ही है, और ये इतनी ज्यादा पसंद आई मुझे, एंड दिस इज मस्टर्ड येलो कलर, और इसके भी नेक पर इस तरीके की पूरी डिजाइनिंग हो रखी है, लाइक कढ़ाई हो रखी है, आगे का जो गला है वो गोल गला है, और बीच सेंटर पर इस तरीके की कढ़ाई हो रखी है, और कढ़ाई भी काफी ज्यादा फिनिशिंग वाली है। सो अभी मैंने आपको जितनी भी कुर्तीज दिखाई हैं सब पर ही कढ़ाई का काम है, और कुछ कुछ पर प्रिंट है, बट ज्यादातर कढ़ाई का काम है। अगर प्रिंट है तो प्रिंट के साथ भी उन लोगों ने कढ़ाई ऐड की है, तो इन कुर्तीज के लिए तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। सो ये देखें आप, ये भी काफी ज्यादा लॉन्ग लेंथ के साथ है, काफी ज्यादा लॉन्ग है, और इसका कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, और इसके साइड्स पर अगेन इसकी डिटेल, मतलब हर कुर्ती में कुछ ना कुछ आपको डिटेलिंग तो जरूर मिलेगी। सो इसमें आपको साइड में यहाँ पर पाइपिंग मिल रही है, फोर साइड्स पर मिल रही है, ये आप देखें दो साइड्स ये हुई हमारी, और ये साइड्स हुई हमारी दो। सो दोनों जो हमारी चाक वाले पार्ट्स हैं वहां पर आपको इस तरीके की पाइपिंग का वर्क मिलेगा,
और इसकी जो स्लीव्स हैं अगेन 3/4 स्लीव्स हैं, सारी ही स्लीव्स की जो लेंथ है वो 3/4 स्लीव्स है, लाइक 17 इंचेस तक आ जाएगी। सो इस तरीके की इसकी स्लीव्स हैं, काफी अच्छी खासी स्लीव्स हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कढ़ाई का काम है बॉटम पर, और सारी कुर्तीज की जो बाजू हैं उनके बॉटम्स पर आपको सेम कढ़ाई का वर्क मिलेगा या फिर कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पर जो मैंने साइज मंगाया था वो मैंने मंगाया है 3XL, सो जस्ट टू चेक द क्वालिटी कि इसका साइज कितना बड़ा आता है, लाइक कितना बड़ा आता है। सो इसका जो हिप साइज है वो मैं आपको बता दूं, सो इसको मैंने इंच टेप से मेजर किया था। सो अगर 48 इंचेस है हिप का साइज तो भी आराम से आ जाएगी। ये देखिए आप कितना बड़ा साइज है, कैमरे में भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर पूरा नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा पीछे होना पड़ रहा है मुझे। सो काफी अच्छी खासी इसकी विड्थ आपको मिल जाएगी और चेस्ट साइज भी लाइक 44-45 से प्लस तक का आराम से आ जाएगा। और मतलब क्वालिटी और साइज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। एंड जो अंदर का पार्ट की फिनिशिंग्स देख लेते हैं, सो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा इंटरलॉकिंग हो रखी है, सारी ही कुर्तीज में इस तरीके की इंटरलॉकिंग है। तो फिनिशिंग में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग ऑल राउंड की गई है, कढ़ाई वगैरह की भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। सो इस तरीके की कुर्तीज आपको रिसीव होंगी और ये सारी कुर्तीज के जो ब्रांड है वो है वी बायस। आई पर्सनली लाइक्ड इट और मैं आपको भी रिकमेंड जरूर करूंगी। सो काफी सुंदर सी ये हमारी सारी कुर्तीज पसंद आई। सो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है ये दोनों कुर्तीज, और आप लोगों को कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग कौन सी बाय करना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और सभी की जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली जाकर परचेज कर सकते हैं। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।